नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 831 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 831 केस मिले हैं जिससे हड़कंप मच गया है। देहरादून में 202, हरिद्वार में 163 मरीज मिले हैं, नैनीताल में 131 और पौड़ी गढ़वाल में 85 केस मिले हैं। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 831 नए मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है इन लोगों के बारे में? जी देखिए, लगातार उत्तराखंड में जो कोरोना के अब मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और पहले जो बाहर से वापस लोग लौट रहे थे उन लोगों के सैंपल पॉजिटिव था, लेकिन अब हम बात करें तो उन लोगों के जो संपर्क में आए हैं और जो अन्य लोग वो लोग भी अब लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। कुल आंकड़े की अगर हम बात करें तो 23,000 के पार उत्तराखंड में आंकड़ा हो गया है और 312 मौतें भी अभी तक हो गई हैं। लेकिन जहां 23,000 का आंकड़ा अभी तक पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ 15,000 का बैकलॉग है जिसमें से अधिकांश जो संख्या है वो पॉजिटिव आने की पूरी आशंका है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम प्रशासन की बात करें तो उनका ये कहना है कि लगातार तैयारियां की जा रही हैं। 15,000 से ज्यादा जांच के रिजल्ट आने हैं, ये क्या माना जाए, ये धीमी गति से जांच चल रही है या फिर कुछ और वजह इसके पीछे? जी देखिए, पहले की अपेक्षा अगर देखें तो जांच में तेजी आई है, लेकिन जिस हिसाब से जांच में तेजी आई है तो सैंपलिंग भी बहुत तेजी के साथ हुई है और यही वजह है कि बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है और ये बैकलॉग जो है 20,000 के करीब पहुंच गया था, हालांकि ये घटकर 15,000 हो गया है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि प्रतिदिन 10,000 सैंपल की रिपोर्ट आ सके और ऐसा हो भी गया है, अमूमन प्रतिदिन 10,000 सैंपल की रिपोर्ट आ रही है और यही वजह है कि अब लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है ऐसे में खतरा जरूर है और आने वाले वक्त में और ज्यादा संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, और ज्यादा व्यवस्थाएं करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्था करना बेहद जरूरी है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 15,000 के आसपास टेस्ट रिपोर्ट ऐसी हैं जिनका अभी इंतजार है, जो अभी बैकलॉग में है और जब उनका रिजल्ट आएगा तो माना जा सकता है कि ये उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। नैनीताल में बीच सड़क पर हंगामा देखने को मिला, जहां दो टैक्सी चालकों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। यहां पेन ड्राइव को लेकर भिड़े टैक्सी चालकों में काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसके बाद कुछ लोगों ने मामला शांत कराया। तो ये तस्वीर हम आपको नैनीताल की दिखा रहे हैं। पेन ड्राइव को लेकर कहा सुनी हुई थी और दोनों एक दूसरे पर मुक्के चलाने लगे। सड़क पर ही दोनों ये टैक्सी ड्राइवर भिड़ गए। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। बीच सड़क पर देह दनादन हो रही है। नैनीताल की ये तस्वीरें हैं, जिस वक्त ये लड़ रहे थे उस वक्त किसी ने इनका वीडियो बना लिया और वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली कहासुनी को लेकर इन दो टैक्सी ड्राइवरों में जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे थप्पड़ चढ़ने लगे।